सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज किसी में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये अकाउंट के मैं एक चार्जेस बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। अकाउंट का चार्जेस बेनिफिट क्या, सबसे नीचे मैंने एक्सप्लोर एड्स वगैरह इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये अकाउंट के यहाँ पे चार्जेस बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। मंथली वरेज कितनी आपको रहेगी, डेबिट कार्ड फीस कितना भरना पड़ेगा, चेकबुक यहाँ पे कितना पेज मिलेगा, वो आपको यहाँ पे सारी चार्जेस बेनिफिट्स अकाउंट के बारे में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे पहले से मैंने पढ़ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है गेट योर कोटक आरसे वगैरह सेविंग अकाउंट इन ए फेयर मिनट्स राइट फॉर योर होम, यानी कि ये अकाउंट को आप घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, ओपन कोटक बैंक अकाउंट टूडे, बुक ए FD एंड अप्लाई फॉर इंटरेस्ट फ्री डेबिट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये यहाँ पे अकाउंट ओपन करते समय आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया, वहाँ पे आप डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अकाउंट के बारे में बताऊँ। देखिए ये अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे अकाउंट ओपन होते समय इंस्टेंट है वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, CRN नंबर मिलता है, कस्टमर आईडी FSC कोड मिलता है अकाउंट ओपन होते समय वहाँ पे। तो आप वहाँ पे अकाउंट ओपन होते समय आपको वहाँ पे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि आप कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑनलाइन कहीं पेमेंट कर सकते हैं, कहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वो वर्चुअल डेबिट कार्ड से। अब देखिए यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे आपको अकाउंट ओपन होगा वहाँ पे आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जो एड्रेस पर डेबिट कार्ड मंगना चाहते हैं वो एड्रेस पर डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टमर वहाँ से आपको एजेंट वहाँ पे कॉल करेंगे, किस एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं, अपना KYC वहाँ पे वेरीफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं, KYC आपका वेरीफिकेशन इनेबल हो जाएगा आपको एड्रेस पर। वहाँ पे चेकबुक और डेबिट कार्ड वहाँ पे पासबुक आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अब ये अकाउंट की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ये अकाउंट ओपन समय इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए अकाउंट ओपन समय आप वहाँ पे हैंड टू हैंड मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे आप ले सकते हैं। कहीं किसी के वहाँ पे मनी रिफंड ले सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि किसी के वहाँ पे मोबाइल नंबर पर किसी को पैसा सेंड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पैसा वहाँ तीन तरह का पैसा वहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर से, UPID से, अकाउंट नंबर से, तीन तरह से वहाँ पे आपको पैसा वहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपको जो चूज़ करना है वो सिलेक्ट वहाँ पे कर लेना। ये कोटक महिंद्रा की ये सिस्टम ये कस्टमर को प्रोवाइड करती है, ये कोटक महिंद्रा बैंक। जो आपका वहाँ पे बायो एड्रेस पर आपका वहाँ पे डेबिट कार्ड चेकबुक आ जाता है, तो वो डेबिट कार्ड से वहाँ पे आप अनलिमिटेड कहीं पर जितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, वो आपके वहाँ पे लिमिट रहेगी। अब मैं अकाउंट यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको इस साइट पर जाना है, kotak.com पर जाना, स्क्रीनिंग करके वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली जाकर चेकआउट करके इस साइट पर जाकर पहुँच सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल साइट, यहाँ से आप अकाउंट ऑनलाइन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये क्योंकि ये अकाउंट पहले से मैंने ओपन कर लिया, मैं ओपन करके नहीं बताऊँ उसका, मैं बेनिफिट चार्ज के बता रहा हूँ कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है कैसे नहीं करना, मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ। देखिए अगर अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ देखिए जिस कस्टमर के नाम से आपको ये अकाउंट ओपन करना है उसका यहाँ पे फुल नेम डालना, आपको यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर डालना जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको ईमेल ID डालना है, ईमेल ID भी डालना जिस आपके नाम से ईमेल ID वो ईमेल ID यहाँ पे, ये तीनों चीज़ आपको डाल के दोनों एकदम इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं अकाउंट यहाँ पे ओपन करके आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले से मेरा ये अकाउंट यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट पहले से मेरा ओपन है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिस्टम बता रहा हूँ किस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तीनों चीज़ फिल करके डम्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास वहाँ पे ये दूसरा वहाँ पे सिस्टम खुल कर आ जाएगा। वहाँ पे जो जो चीज़ आपको वहाँ पे डालने का वो चीज़ आपको वहाँ पे सिस्टम बाय सिस्टम वहाँ पे आपको डालते रहना, आपके पास ऑप्शन वहाँ पे खुल कर आता रहेगा, जो चीज़ आपको डालने का वही चीज़ डालेंगे। जैसे जैसे वहाँ पे स्टेप में पहुँच जाएंगे वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वहाँ पे हैंड टू हैंड अकाउंट नंबर, CRN नंबर, अकाउंट नंबर, जितना कुछ कोटक महिंद्रा बैंक करते हैं वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट वहाँ पे जाकर मोबाइल बैंकिंग वहाँ पे एक्टिवेट करके वहाँ पे मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे मोबाइल कोटक महिंद्रा मोबाइल पे आपको वर्चुअल डेबिट करना है, वर्चुअल डेबिट करके ऑनलाइन शॉपिंग कहीं कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वहाँ कहीं से कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको ये कोटक महिंद्रा बैंक में आपको अकाउंट वहाँ पर ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट पहले से मैंने ओपन कर चुका है। अकाउंट में बहुत सारा वहाँ पर आपको फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि कस्टमर वो फंक्शन का लाभ उठा पाए कहीं और भी। ये अकाउंट ओपन करिए जाकर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सिंपली जाकर उस लिंक पर क्लिक करके ये अकाउंट को आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो। ओपन करते समय आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको कोई भी पैसा वहाँ पर अकाउंट ओपन करते समय
नहीं लगेगा, इसलिए अकाउंट फटाफट से ये ओपन कर लीजिए। इसमें आपको बिल्कुल फ्री में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन समय आपको अकाउंट ओपन का मोबाइल कर मोबाइल पर एक्टिवेट कर ले तो वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। किसी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डिश रिचार्ज करते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, ये सारा चीज़ वहाँ पे आप कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस आपको वहाँ पे भरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। आप ये सिंपल सा ट्रिक यूज करके कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।